सबसे पहले आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो वीडियो IAS वीडियो को बहुत प्यार दिया, क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन के बारे में आप बहुत बहुत सारा लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि हाँ ये एप्लीकेशन यूज़ तो करेंगे, लेकिन आपको जो एक्सपोर्ट करते हो उसका प्रीमियम दिया तो है वो एक्सपोर्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन देख सकते हो, इस एप्लीकेशन के आप कोई भी प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए आप टेक्स्ट, तो आपको इस ये तो वीडियो आप देख ही लिए होंगे कि किस तरह से वीडियो आप ये एडिटिंग कर सकते हो, आप कैप्चर आपका वीडियो में ऑटो कैप्चर लगा सकते हो। तो आप ये वीडियो भी देख लीजिए, आपको ऑटो कैप्चर तो लगा सकते हो, एडिटिंग वगैरह सब कर चीज़ कर लिया, लेकिन आप एक्सपोर्ट करने जाते हो तो आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, उधर एक्सपोर्ट नहीं होता है। इसी क्योंकि एक्सपोर्ट होना चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, मंथली या ईयरली। तो आप मंथली या ईयरली आप लेना चाहते हो तो सिंपल में ले सकते हो, लेकिन जो फ्री में यूज़ करना चाहते हो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो ये एप्लीकेशन के पूरा जानकारी, मतलब आप एक्सप्लोर सिंपल तरीके से कर सकते हो, आप ऑटो कैप्चा तो लगा सकते हो फिर यूज़ कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड। तो चलिए किस तरह से ये एप्लीकेशन यूज़ करते, इस एप्लीकेशन का सेटिंग और सीक्रेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली चलते मेरा मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल स्क्रीन आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर में चलिए, प्ले स्टोर में आने के बाद देख सकते हो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देख सकते हो लिंक के तहत इस ऑप्शन पर इस एप्लीकेशन को आप सिंपल वे में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हो ओपन ऑप्शन है ना, ओपन ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने में इस तरह से एक होम पेज खुल कर आता है। फिर से होम पेज खुल के आने के बाद देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो जीमेल आईडी ऐड करना है सिंपल में ऐड कर सकते हो। देख सकते हो ऐसा वो जीमेल आईडी ऐड करने के बाद इस तरह से फिर से एक नया पेज खुल कर आता है। आने के बाद सिंपल में प्लस आइकन है, प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए। प्लस आइकन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको इधर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल में देख सकते हो स्क्रिप्ट या ऐप ले सकते हो, फिर आप देख सकते हो टेम्पलेट भी ले सकते हो, फिर आपको आपके वीडियो में कैप्चर ऐड करना है तो सिंपल में ऑटो कैप्चर है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप फटाफट परमिशन दीजिए, तो परमिशन देने के बाद आपके डिवाइस में जाते हैं। तो आपके डिवाइस में जाने के बाद आपको जो आपका वीडियो लेना है, मतलब ऑटो कौन सा वीडियो लेना चाहते हो सिंपल में ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है, तो आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर चलिए आगे प्रोसेस जानता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियो, तो सिंपल में इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने में देख सकते फिर से एक नया पेज खुल कर आया। नया पेज खुल कराने में देख सकते हो इधर ऑप्शन देखने, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको अलग अलग कंट्री का अलग अलग आपको लैंग्वेज देखने मिलेगा। तो आपको जो लैंग्वेज में टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कैप्चर लगाना चाहते हो, सिंपल में वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। तो सिंपल में देख सकते हो बस इंग्लिश टू इंडिया, तो इंडिया में एक सेलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश टू इंडिया सेलेक्ट करने में देख सकते हो इधर जनरेट है ना कैप्चर, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। तो गाइस मेरा मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं दूसरा मोबाइल लेकर आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल में मैं उसी एप्लीकेशन में सिंपल में जाता हूँ। तो जाने बाद देख सकते हो तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो लेकर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आपको एक बार मैं गैलरी में जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, ऑटो कैप्चर पर क्लिक करता हूँ। ऑटो कैप्चर पर क्लिक करना मैं देख सकते हो मेरे पास इधर इस मोबाइल में फिर से एक वीडियो है। तो सिंपल मैं ये वीडियो को लेता हूँ। वीडियो को लेने के बाद देख सकते हो फिर से वीडियो आ गया। आने के बाद जनरेट कैप्चर इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जब देख सकते हो गाइस मेरा वीडियो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो, मतलब आप कैप्चा फिल्प होकर आ गए। आपको एक बार सुना देता हूँ, सुन लीजिए। देख सकते हो गाइस आप इधर कैप्चा शो होता रहेगा, आपको भी शो होता रहेगा, दिखता रहेगा। तो सिंपल में आप देख सकते हो स्टाइलिश, इधर सिंपल में आपको जो स्टाइल चाहिए सिंपल में चेंज कर सकते हो, और फोन चाहे तो सिंपल में जो आपको फोन लगाना चाहते हो सिंपल में लगा सकते हो। तो देख सकते हो स्टाइलिश आप इधर से चेंज कर सकते हो, मतलब जो देख सकते हो आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो जो कैप्चा का स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो सिंपल में आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। तो सिंपल में मैं इसे मेरे हिसाब से सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल में देख सकते हो इधर आपको एक्सप्लोर ऑप्शन देखने को मिला। सिंपल में एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो इधर आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, एक HD क्वालिटी, एक नॉर्मल आपको क्वालिटी देखने मिलेगा।
तो आप सिंपल में एचडी क्वालिटी में लेना चाहते हो तो एचडी में ले सकते हो, चाहे इस क्वालिटी में लेना चाहते हो सिंपल में ले सकते हो। तो सिंपल में एक्सप्लोर कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको मंथली प्रीमियम देखने के मिलेगा, चाहे आप ईयरली भी ले सकते हो। आपको लेकिन फ्री में यूज करने का तो किस तरह से कर सकते हो, तो चलिए वही जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो फिर सिंपल में चलिए फटाफट बैक आ जाइए। बैक देख सकते हो आपको इस एप्लीकेशन को प्रेस करके पकड़िए, बाद में ऐप इन्फो में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में तो आप एप्लीकेशन का पूरा डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कीजिए। तो सिंपल में क्लियर हो गया पूरा डाटा, आपको जो भी है एप्लीकेशन का डाटा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद सिंपल में देख सकते हो उसी एप्लीकेशन को फिर से एक बार यूज कीजिए, मतलब ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर से आपको इस ऑप्शन ये देख सकते हो फिर से इस तरह से फिर वो एक होम पेज खुल कर आता है। आने वाले सिंपल में गूगल ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये गूगल ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको इधर आपको जितना भी आपका डिवाइस में जीमेल आईडी है सब कुछ इधर शो होगा। तो सिंपल में देख सकते हो मेरे पास एक जीमेल आईडी है, तो सिंपल में इस जीमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस इस जीमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट की देख सकते हो। वो जीमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद फिर से न्यू प्रोजेक्ट बोल के आया, तो सिंपल में प्लस पर प्लस का आइकन पे क्लिक करता हूँ, ऑटो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ, अलाउ देता हूँ, परमिशन देता हूँ। देने के बाद फिर आपको सामने फिर वही वीडियो लेता हूँ, और वही वीडियो लेने के बाद देख सकते हो आपको इधर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो सिंपल में मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने में जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए तो सिंपल में होने के बाद देख सकते इस तरह से आ गए। फिर से आने के बाद देख सकते स्टाइलिश ऑप्शन पर क्लिक करेगा, आपके हिसाब से स्टाइलिश ले ही सकते हो। लेने के बाद अब गाइस इंपॉर्टेंट क्या है एक्सपोर्ट करने का, तो सिंपल में देख सकते पूरा मेरा वीडियो है, तो सब स्क्रिप्टिंग हुआ क्या नहीं देख सकते हो। आप करप्शन करना है तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप करप्शन कर सकते हो, लेकिन अभी क्या करने का आपको एक्सप्लोर करने का है, मतलब डिवाइस में लेना चाहते हो। तो सिंपल में एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जैसे तो मैं एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करने में फिर से दो ही ऑप्शन देखने लिए मिलेगा, तो आपके हिसाब से क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कर से देख सकते हो गाइस आपका वीडियो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर हो रहा है। गाइस आपको इस वीडियो में आपको क्या प्रॉब्लम देखने मिलेगा, आप एक जीमेल आईडी से मिनिमम कुछ वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप जितना जीमेल आईडी इस एप्लीकेशन को साइनिंग अप करते हो उतना वीडियो आप सिंपल में फ्री में क्रिएट कर सकते हो। आपको जीमेल आईडी नहीं देना तो प्रीमियम ले सकते हो। तो गाइस इतना ही था ट्रिक, फिर इस एप्लीकेशन में और बहुत कुछ जानकारी पता था। फिर और एक बार आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट करते हो प्यारा प्यारा सा, फिर आप लाइक भी करते हो, फिर इस वीडियो को मेरा आपका पूरा प्यार मेरे को बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही मैं नया नया ट्रिक्स एंड टिप्स आपको रेगुलर देते रहने का कोशिश करूँगा। तो गाइस देख सकते हो मेरा ऑलरेडी वीडियो कैप्चर हो गया, तो सिंपल मैं डन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। डन ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको वो भी डाउट रहता है कि ये वीडियो डायरेक्ट आपके डिवाइस में सेव हुआ है कि नहीं, तो सिंपल मैं डायरेक्ट होम पेज जाता हूँ। होम पेज जाने में मैं गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में आने में बैक आता हूँ। बैक आने में देख सकते हो मेरा दो वीडियो इधर पहले का वीडियो है, तो आप एक बार इसको देख भी सकते हो। देख सकते हो ये पहले का मेरा वीडियो है, इसको कुछ कैप्चर कुछ नहीं है। तो सिंपल में देख सकते हो अभी का जो एक्सप्लोर हुआ देख सकते हो, इधर टाइमिंग भी देख सकते हो आप, इधर से डेट पूरा डिटेल भी देख सकते हो। देख सकते हो टाइमिंग और डेट देख लिए, बैक आता हूँ सिंपल में। बैक आने के बाद एक बार आपको प्ले करके भी सुना देता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप सिंपल में कैप्चर क्रिएट कर सकते हो, आप जितना जीमेल आईडी देंगे उतना आप कैप्चर वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस आप एक जीमेल आईडी से मिनिमम वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि ब्लिंक कैप्चर एंड टेलीपोन्टा इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा आपको जानकारी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन, ये वीडियो तो आप देख ही लिए होंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो भी आप देख लीजिए। एक बार मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। आपको यूज़ करना नहीं आता तो नीचे उस लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो का मतलब पूरा एप्लीकेशन का आप सेटिंग और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये टूल के बारे में मतलब ये एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल पता चल गया होगा कि आप एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हो और बिना प्रीमियम दिए हो, बिना पैसा दिए हो। तो आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छा लगा होगा आपको। तो जानकारी अच्छा लगा तो प्यारा से एक लाइक कर सकते हो, फिर ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहते हो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में आपको कुछ भी गलती नजर आया या आपको कोई इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी डाउट आया तो
नीचे जाके प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।